हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक ये सिंगल कलर की डिजाइन बताने वाली हूँ। बेसिकली लीफ की तरह से ये डिजाइन है, आप इसको लीफ वाली डिजाइन भी बोल सकती हैं। तो ये देखिए, बनाने में बहुत ही इजी, चार सिलाइयों में बनने वाली ये डिजाइन है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इस डिजाइन के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और प्लस 3 आप कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको 2 प्लाई के ऊन पे बनाया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकती हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, या फिर आप बच्चों के स्वेटर पे जो एक कलर से जो भी स्वेटर आप बनाती हो उसमें आप डालिए। बेबी स्वेटर जो भी आप बनाती हो उस पर ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इसकी राइट साइड है और इसकी ये रॉन्ग साइड इस तरह से ये आएगी। देखिए, तो ये पैटर्न बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये 4 लाइनों की डिजाइन है जो रिपीट होता गया है। और ये देखिए, 3 ये बीच में 3 उल्टा है और यहाँ पे 1 सीधा है जिसको हमने जाली डाल के 2 फंदा किया है। तो चलिए इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने 35 फंदे इस पे डाल लिए हैं टोटल। ये भी मेरा 35 है, 3 के मल्टीपल करके, और फिर हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले ये 1 फंदा, 2 और ये 3, ये 3 उल्टे हो गए। अब हम यहां से सीधा बीनेंगे, ऊन हमारा इसी तरफ है, यहां से ये जाली डालते हुए ये सीधा। इसके बाद फिर हम 3 उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, 1 सीधा बीनेंगे लेकिन ऊन इधर ही है, यहीं से जाली डालते हुए हम 1 सीधा, 3 उल्टा, 1 2 3, 1 सीधा इधर से ये ऐसे, फिर 1 2 3, 1 सीधा, 3 उल्टा, 1 सीधा, लेकिन 1 सीधा जो हम बना रहे हैं उसमें हम जाली डाल रहे हैं। देखिए, 1 2 3 और 1 ये सीधा। यही 4 फंदे को आपको काउंट करना है और लास्ट के लिए 3 फंदा एक्स्ट्रा। ये हो गया 3 और ये सीधा, 3 उल्टा, 1 2 3 और 1 सीधा ऐसे, 1 2 3 और 1 ये सीधा, और ये देखिए लास्ट में 3 फंदा हमारा उल्टा इस तरह से, पहली सिलाई। दूसरी सिलाई, अब इधर से जो उल्टा जो उधर था वो इधर सीधा हो जाएगा। तो देखिए, पहला फंदा उतार के ये 3 फंदा हमने बिन लिया सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे। और ये देखिए, उधर से 1 सीधा और 1 जाली, इसको हम बिनेंगे 2 उल्टा। रॉन्ग साइड से हमारा 3 सीधा और 2 उल्टा हो जाएगा। जो उधर से हमने 3 उल्टा बिना था, तो ये देखिए 3 उल्टा, 2 ये सॉरी 3 सीधा, 1 2 3 सीधा, ऊन आगे, 1 2 उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 3 और 2 उल्टा, 1 2 3 सीधा, 2 उल्टा। ये दूसरी सिलाई है हमारी, 3 2 3 2 3 2, लास्ट का 3 सीधा। ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। और अब तीसरी सिलाई के लिए, ये देखिए, तीसरी सिलाई हम जो करेंगे ये हमारा रहेगा फिर से 3 उल्टा। पहला फंदा मैंने उतार लिया है, देखिए 2, ये 3, अब ऊन पीछे करेंगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ये 2 सीधा, 3 उल्टा, 2 सीधा, पूरी सिलाई इसी तरीके से।
देखिए, तीन उल्टा, दो सीधा। तीन उल्टा, दो सीधा। तीसरी सिलाई है ये, दो सीधा, तीन उल्टा, दो सीधा, तीन उल्टा। तीन उल्टा, ये हो गया। अब ये चौथी सिलाई फिर सेम रहेगा, तीन सीधा और दो उल्टा। तीन सीधा, दो उल्टा, पूरी सिलाई इसी तरीके से। ये है चौथी सिलाई। दो, तीन और ये दो, एक, दो, तीन, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन। ये चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए, ये जो हमारा अब ये लीफ का पैटर्न आया है इस तरीके से, ऐसे। अब इसको हम बंद करेंगे। तो पहले देखिए, तीन फंदा ये स्टार्टिंग के, तो हमारे उल्टे बीने जाएंगे, ऊन हम करेंगे पीछे। और ये जो जाली करते हुए हमने दो फंदे बनाए थे सीधे, अब इन दोनों को हम एक संग इस तरह से सीधा बिन देंगे। फिर तीन उल्टा इस तरह से, ऊन पीछे, और अब ये जो दो फंदे हैं इसको हम इस तरह से सीधा बिन देंगे एक साथ। कोई जाली नहीं डालना है, बस हमने जो जाली बढ़ाया था उसको हमने बंद कर देना है। ऊन अपनी तरफ, एक, दो, तीन, ऊन पीछे, फिर ये दो का एक, इस तरह से इसको आप ऐसे दोनों को एक संग लेके हमको सीधा बिन देना है। फिर यहां देखिए, एक, दो, तीन, ऊन पीछे, और ये दो फंदे का एक फंदा, एक, दो, तीन, दो का एक, एक, दो, तीन, और ये दो का एक, एक, दो, तीन, ये दो का एक। जो तीन फंदा उल्टा था वो तीन फंदा उल्टा ही बिना जाएगा इस तरह से, और ये दो का एक हम कर देंगे तो ये लीफ डिजाइन बन जाएगी, जो पत्तियों का शेप आता है ये। तो ये है पांचवी सिलाई इस तरह से। और छठवीं सिलाई हम टोटल सीधा सीधा बिन देंगे इस तरह से, ये पूरा हम सीधा सीधा बिन देंगे। ये देखिए, ये पांचवी सिलाई पूरी हमने सीधी सीधी बिन दी उल्टे तरफ से। आप देखिए, ये जो डिजाइन है आप चाहें तो इसी के ऊपर डालिए, मैंने इस तरह से डाला है क्रॉस करके। तो अब देखिए, इसके बीच में ये पड़ेगा, जो तीन फंदे उल्टे थे इसमें अब मेरी ये डिजाइन पड़ेगी। तो स्टार्टिंग का ये देखिए, ये जो तीन फंदा यहाँ पे हम डिजाइन नहीं डालेंगे क्योंकि ये एकदम किनारे हो जाएगा। तो यहाँ का देखिए, ये तीन फंदा तो हम उल्टा जैसे है वैसे बिन लेंगे। ये एक फंदे की जो डिजाइन थी ये भी हम बिन लेंगे। और अब आया बीच का, ये जो तीन उल्टा, इसके बीच वाले में हम ये डिजाइन डालेंगे तो ये उल्टा भी हम बिन लेते हैं। यानी स्टार्टिंग से हमने ये पांच फंदे उल्टे बिन लिए,
और अब हम डालेंगे डिजाइन। तो अब यहाँ पे ये डालेंगे इस तरह से, देखिए ऊन आगे करके एक सीधा। अब ये जो हमारी डिजाइन पड़ी थी और ये इन दोनों के किनारे किनारे का ये तीन फंदा हो जाएगा उल्टा इस तरह से, और ये जो तीन फंदा उल्टा था उसके बीच वाले फंदे पे हम इस तरह से ये लीफ वाली डिजाइन डालेंगे। तो ये देखिए एक दो तीन, इस डिजाइन को लेते हुए ये इसका सेंटर आ जाएगा। आप चाहें तो बीच में पांच फंदे की भी गैपिंग कर सकती हैं। तो ये एक दो तीन, ये एक सीधा, एक दो तीन, ये एक सीधा, फिर एक दो तीन और ये सीधा, एक दो तीन, ऊन अपनी तरफ, यहां से बस ऐसे सीधा हम बिंध देंगे तो ये हमारी जाली पड़ जाएगी। और लास्ट में देखिए फिर हमारे पांच फंदे रह गए जो उसको हम बिंध देंगे उल्टा। और सेम सिलाइयों को रिपीट करते हुए, अब पहली सिलाई में हमने ये फंदा बढ़ाया है, पांचवी सिलाई में हम इस फंदे को घटाएंगे और बाकी अब हम उल्टे तरफ से तीन सीधा दो उल्टा बीनेंगे, फिर सीधी तरफ से तीन उल्टा दो सीधा बीनेंगे, उल्टे तरफ से फिर तीन सीधा दो उल्टा बीनेंगे। बीनने के बाद पांचवी सिलाई में फिर हम ये घटा देंगे, सेम फिर से इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए अगली डिजाइन का ये चौथी सिलाई मैंने पूरा कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। और अब इसको भी हम बंद करेंगे, तो किनारे के पांच फंदों को हम इस तरह से उल्टा बिन लेंगे, तीन चार पांच, ऊन पीछे करेंगे। और अब देखिए ये जो दो फंदे हैं ये जाली पड़ी है और ये सीधा, इन दोनों को पकड़ के एक संग ऐसे हम सीधा बिन देंगे, फिर एक दो तीन, फिर ऊन पीछे और इस तरह से सीधा, ऊन आगे, एक दो तीन, ऊन पीछे सीधा, एक दो तीन, ये दो फंदे का एक फंदा जो हमने जाली करके बढ़ाया था, ये देखिए। तो अब ये देखिए एक यहां पड़ा है, एक इसके बीच में, इस तरह से ये पैटर्न आएगा। तो ये पत्तियों वाली डिजाइन आपकी तैयार हो जाएगी इस तरह से, ये दो का एक, ऊन आगे, एक दो तीन, ऊन पीछे, ये दो का एक, एक दो तीन, दो का एक, एक दो तीन, चार पांच। अब अगली सिलाई पूरी हम सीधी सीधी बिन ले जाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पूरा सीधा सीधा। ये अब फिर अगली डिजाइन हम ये तीन फंदा बिनने के बाद यहां डालेंगे, फिर ये एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से पांच फंदा बिनने के बाद, तो इस तरह से आप अपना डिजाइन सेट कर सकती हैं। बहुत ही इजी पैटर्न और बहुत ही जल्दी बनने वाला, ये देखिए इस तरह से, ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर मेरी ये डिजाइन आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।